मांस रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉनवेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माज स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाए मार्ज रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और मनपा के अधिकारी सागर सारलुंके और धनंजय गोसावी, इनके साथ में और भी कई मनपा के अधिकारी और एनसीपी के कार्यकर्ता जो है आज दौरा पे थे। आपको बता दें, ये दौरा जो किया गया है ये दत्तूबाड़ी से लेकर जो है इसकी शुरुआत दौरे की गई है। इस दौरान जो है मुमरा देवी मंदिर, सम्राट नगर, जीवन बाग, बॉम्बे कॉलोनी और संजय नगर, मेक कंपनी, इन जगहों पर जो है विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने दौरा किया। और ख़ास तौर पे दौरे का मकसद था कि जिस तरह से आप नाला देख रहे हैं, इस तरह के जो है मुमरा शहर में जितने भी नाले हैं सबकी हालत जो है वो बेहद ही ख़राब है। सभी नालों का आधा अधूरा काम हुआ पड़ा हुआ है और कहीं कहीं नालों का काम जो है हुआ है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह का काम नहीं हुआ है। विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने बताया कि आने वाले मनपा के बजट में जो है जो दौरा किया जा रहा है ताकि आने वाले मनपा के बजट में इसकी मांग की जाए और इन कामों को पूरा किया जाए। साथ ही जिस तरह से रेलवे फास्ट रेलवे लाइन है वहां से जो बॉम्बे कॉलोनी के तरफ से जो मार्केट है वहां से पटरी पार करके जो लोग जाया करते थे, बहरहाल वहां दीवार बन गई है, तो इस वजह से जो खाड़ी से लग कर एक रास्ता बिल्कुल है वहाँ से जाने के लिए जो है एक रास्ता जो है बनाया जाएगा, उसका भी काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस तरह का शानू पठान ने जानकारी दी है। बहरहाल जिस तरह से मुमरा शहर में नालों का आधा अधूरा काम है, 4 साल जो है बीत चुके हैं लेकिन जिस तरह से अभी आधा अधूरा काम बाकी है, लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव अब नज़दीक आ रहा है, ऐसे में अब जो है इन नालों का काम शुरू करने की बात सामने आ रही है। बहरहाल आज के दौरे को लेकर जिस तरह से शानू पठान ने पूरी जानकारी दी है, सुनिए। शानू भाई, आज आपने जो है कई नगर सेवकों के वार्ड में दौरा किया, इस दौरान जो है आपने नालों को जायजा लिया और भी कई चीज़ों का ऐसा जायजा लिया, तो क्या आपने देखा, क्या ज़रूरत है बनाने की? माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब के आदेश पर मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत उन्होंने खास तौर से मुझे कहा है कि सभी नगर सेवकों के साथ उनके अति आवश्यक काम का जायज़ा लेके आने वाली जो महासभा है और बजट है 21-22 का, उसमें ज़रूरी काम को देखते हुए तरतूद किया जाए। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी के साथ एक पानी दौरा और जो रास्ते नाले गार्डन जो भी समाज मंदिर ऐसे अति आवश्यक काम, आरोग्य केंद्र जो जिनकी परिस्थिति खराब है जो ज़रूरी है करने के लिए, उसके लिए एक दौरा करके बजट 21-22 की बजट के लिए उनका तरतूद करना है। इसीलिए उनके आदेश अनुसार आज हम सभी आठों जो नगर सेवक है दोनों पैनल के 26 और 31 के, उन सभी के साथ दौरा किया और अति आवश्यक काम को हमने मिनट्स करके नोट डाउन करके रखा है। इंशाल्लाह ताला इस बजट के अंदर ज़रूरी कामों को लेके नगर सेवकों की सूचना के साथ हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर जितेंद्र रावत साहब के आदेश अनुसार इन सभी के ऊपर अति आवश्यक काम पे बजट करके लेंगे। शानू भाई, कई नाले ऐसे हैं जिनका फाइल भी तैयार हो चुका है, 1 साल पहले हो चुका है, लेकिन नालों का काम नहीं हो रहा है। जैसे सम्राट नगर का नाला है वो कई जगह जो है डैमेज भी हो चुका है लेकिन उसके बावजूद उसका काम नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि स्टीमेंट बनाए कई के तो टेंडर भी हुए लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं, और कोविड के कारण महापालिका ने कई जगहों पे वर्क ऑर्डर रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि महापालिका का ऐसा कहना था 1300 आपने सुने होंगे 1300 करोड़ रुपए इस बजट के अंदर कमी की गई, तो इसी का कारण कई लोगों के वर्क ऑर्डर नहीं दिए। लेकिन हमारी स्टैंडिंग और महासभा के बाद, मतलब महासभा भी आने वाली है लेकिन स्टैंडिंग हो चुकी, उसमें कई जिनके टेंडर हुए और जो अति आवश्यक काम है उनको काम करना ज़रूरी है, ऐसी मेरी सूचना थी। और ऐसे ही एज अ विरोधी पक्ष नेता ये भूमिका महासभा में रह के मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत और थाना में जो ज़रूरी काम है, जैसे शाही धरन है, डंपिंग ग्राउंड है मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत, और मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत जो अति आवश्यक काम है नाले रास्ते, उन सभी को हम इस बजट के अंदर तरतूद कराने की पूरी कोशिश करेंगे और करा के ही रहेंगे।
अच्छा रेलवे का जो आप गए थे रेलवे पटरी के पास, वहाँ पर क्या जो रास्ता है इसको लेकर क्या व्यवस्था है, किस तरह से वो रास्ता बना? रेलवे के अंदर जो रेलवे की पटरी पे एक मुमरा स्टेशन से लेके कोलीवाड़ा तक 3 मिनट में लोग आ जाते। हमारे वहाँ पे सीनियर कॉरपोरेटर राजन दादा केनी का उनका अनुभव है, तो वहाँ पे पाइवट बनाना है ताकि लोग जो पैदल आते तो बोगदेत के अंदर से वो 3 मिनट के अंदर मुमरा स्टेशन से मुमरा पुलिस स्टेशन तक आ सकते। तो उसके लिए भी हम रास्ता रुंदीकरण मतलब सुंदीकरण करके उठा टप्पे बना के लोगों को इस वर्ष के अंदर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपने आज दौरा किया, आपका कहना है कि गाड़ा नाले पानी की पाइप ये सब चीज़ें जो है दुरुस्त किया जाएगा, तो ये कब तक दुरुस्त हो जाएगा, क्या माना जाए कब तक? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जितने भी नगर सेवक रहते उनके काम की उनको अनुभव रहता है और उनको मालूम है कि लोगों की मांगनी क्या है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है बजट। और ये कोविड के कारण 1.5 साल नगर सेवकों का बजट वेस्ट गया है, जाया हुआ है, और कई महापालिका ने करोड़ रुपए कोविड में बजट लगाया। तो इसीलिए जो ऐसा नहीं कि 4 साल में कॉरपोरेटर ने काम नहीं किया, मिनिस्टर ने काम नहीं किया, आप देखेंगे हर नगर सेवक ने अपने प्रभाग के अंदर काम किया है, और माननीय मिनिस्टर जितेंद्र रावत साहब ने तो भरपूर काम किया। लेकिन ये 2 साल में जो काम नहीं हुआ है, और विरोधी पक्ष नेता जब मुझे इस साल बनाया गया है तो मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत लोगों में ज़्यादा उम्मीद है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में इस साल के बजट में थाना के ज़रूरी विषय के साथ मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत अति आवश्यक काम लिया जाए। अभी भी कहा जा रहा है कि जो है कोरोना काल की वजह से जो है मनपा में बजट की काफ़ी कमी है, और आप दत्तुवाड़ी से लेकर संजय नगर तक दौरा किए हैं, कई जगह नालों की हालत बेहद ख़राब है, पानी की पाइपलाइनें खराब है, तो क्या माना जाए कैसे बजट आप लाएंगे, कैसे इसको पूरा करेंगे? हम लोग पानी की लाइन के लिए जो हमारे दिक्कत है वो हम रीमॉडलिंग में वो बजट को डालेंगे चेंज करके, और पानी की लाइन की समस्या तो इस रीमॉडलिंग के बजट में होना ही चाहिए। लेकिन आज भी महापालिका में जो कोविड में पिछले साल बजट नगर सेवकों का कोविड में चले गया, इस साल फिर भी स्टेबल है महापालिका, उसके अंदर हम अति आवश्यक काम जरूर करके ले। बारिश आने से पहले सभी नालों का काम हो जाएगा? ज़्यादातर नालों का काम बारिश आने से पहले हो जाएगा।